पैपऊ क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज एक और नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। कोरोना प्रभारी डॉक्टर सनीश बंसल ने बताया कि आज कुकरा गांव निवासी एक ट्रक ड्राइवर की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सैपऊ क्षेत्र में 5 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 पहुंच गई। चिकित्सकों की ओर से कुकरा निवासी कोरोना पीड़ित ट्रक ड्राइवर उदय सिंह की हिस्ट्री ली गई। हिस्ट्री में पता चला कि वह महाराष्ट्र से तरबूज लेकर दिल्ली पहुंचा, जहां से दूसरे ट्रक में बैठकर 3 दिन पूर्व अपने गांव पहुंच गया, जहां वह पत्नी व एक बच्चे के अलावा माता पिता व भाई सहित गांव के कई लोगों के संपर्क में रहा, जिससे प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। कुकरा गाँव निवासी युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम पीड़ित के गांव पहुंची। जैसे ही गांव में पुलिस और चिकित्सा टीम पहुंची, तो कोरोना पीड़ित युवक के संपर्क में रहने वाले लोग टीम को देखकर मौके से भाग गए। पुलिस ने लोगों को काफी पीछा किया, लेकिन एक भी हाथ नहीं लग सका। तभी पुलिस की ओर से कोरोना पीड़ित ट्रक ड्राइवर की पत्नी, बच्चे व माता पिता सहित 5 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर भर्ती कराया है, तथा कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में रहने वाले लोगों को चिन्हित कर पुलिस की ओर से तलाश की जा रही है। एक मरीज कुंकरे का रहने वाला उदय सिंह पुत्र बाबूलाल 27 साल का रहने वाला, जो ट्रक ड्राइवर है, जो कि महाराष्ट्र के बॉर्डर से तरबूज लेके आया था, जिसमें दिल्ली में 3 दिन वो रुका है। 3 दिन दिल्ली रुकने के बाद में 26 तारीख को ये अपने यहाँ पर गाँव पहुँचा था। कुंकरा में गाँव पहुँचते ही इसको वहाँ पे ही पकड़ लिया गया था और जांच के लिए जिला चिकित्सालय में भेजा गया था। जिला चिकित्सालय में जिसकी रिपोर्ट आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई है। इसका इलाज हमने जिला चिकित्सालय में चालू कर दिया गया। टोटल कितने मरीज हो गए सर? कब आया था सर? टोटल 10 मरीज हमें धौलपुर के कोरोना पॉजिटिव। कब आया था ये? 27 तारीख की हमने इसकी जाँच कराई थी, जो आज पॉजिटिव।